राजामौली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेड इन इंडिया का अनाउंसमेंट टीजर शेयर करके अपने फैंस को सरप्राइज दे दिया है। क्या है पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। पोस्ट शेयर करते हुए राजामौली ने कैप्शन में लिखा कि मैंने जब फिल्म का नरेशन सुना तो मैं काफी इमोशनल हो गया था। वैसे तो कोई भी बायोपिक बनाना अपने आप में बेहद मुश्किल है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन सिनेमा पर बायोपिक बनाना और भी चैलेंजिंग है। सोशल मीडिया पर ये टीजर देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और कई लोग इस पोस्ट पर कमेंट के जरिए अपनी एक्साइटमेंट भी दिखा रहे हैं। दादा साहेब फाल्के ने रखी थी इंडियन सिनेमा की नींव। आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। उन्होंने ही इंडियन सिनेमा की नींव रखी थी। इंडियन सिनेमा की सबसे पहली फिल्म 1913 में आई थी और ये पहली फीचर फिल्म थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा को जन्म देने वाले दादा साहेब फाल्के को काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी, तब जाकर वो इंडियन सिनेमा की नींव रख पाए थे। राजामौली की मेड इन इंडिया का ऐलान सुन क्रेजी हुए फैंस। राजामौली के ट्विटर पोस्ट को पढ़ने के बाद नेटिजन्स की एक्साइटमेंट देखने को मिली। एक ने लिखा, मास्टरपीस का इंतजार, जबकि दूसरे ने लिखा, भारतीय सिनेमा का गौरव मेड इन इंडिया का सिनेमा बना रहा है। कुछ नेटिजन्स ने यह भी अनुमान लगाया कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के परमपिता यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की बायोपिक हो सकती है। मेड इन इंडिया वरुण गुप्ता द्वारा निर्मित पहली फिल्म होगी। वो कई वर्षों से भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी मैक्स मार्केटिंग एंड इनोवेशन के तहत फिल्मों का विपणन किया है। उन्होंने अपने स्टूडियो का नाम भी मैक्स स्टूडियो रखा है, जिसे उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि लोगों ने इस फिल्म को लेकर कई सजेशंस भी दिए हैं। राजामौली ने अपनी कास्ट का खुलासा नहीं किया है। कुछ लोगों ने उनके इस ट्वीट पर कमेंट किया है कि इसमें प्रभास को लेना ठीक रहेगा। वहीं कई लोग लिख रहे हैं कि लोग इनके डायरेक्शन में बनी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ये भी पूछ रहे हैं कि महाभारत का क्या हुआ। कुछ ने सवाल पूछा है कि क्या फिल्म दादा साहेब फाल्के पर है। फिल्म के टाइटल पर भी कुछ लोगों ने लिखा कि इसका नाम मेड इन इंडिया की जगह मेड इन भारत होना चाहिए। वैसे क्या आप एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल द वोकल न्यूज को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ डेली खबरों के लिए हमारी वेबसाइट द वोकल न्यूज.com को भी विजिट कर सकते हैं।